न्यूज, सच जरूरी है। संघ नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वे शकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन हिंदुराष्ट्रांग भूता, इमे सादरं त्वान्नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। अजय्यांच विश्वस्य देहि सशक्तिम्, सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्। श्रुतं चैव यत् कंटकाकीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतं सुगं कारयेत्। समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम्। पद्मभूषण डॉक्टर कोपिल्लील राधाकृष्णन जी, विदर्भ प्रांत के माननीय संघचालक, माननीय सहसंघचालक महोदय, नागपुर महानगर के माननीय संघचालक जी, उपस्थित सभी श्रद्धेय संतगण, देश विदेश से यहाँ पर इस कार्यक्रम को देखने पधारे हमारे अतिथिगण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, इस विजयादशमी को यानी आज के दिन अपने कार्य के 100वें वर्ष में संघ पदार्पण कर रहा है। इसीलिए शायद आज के उत्सव को देखने के लिए समय से पहले ही पर्जन्य राज भी उपस्थित हो गए हैं, और इसलिए स्वयंसेवकों को थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ा। विशेष महत्व का वर्ष इसलिए भी है, पिछले वर्ष इसी पर्व पर हमने महारानी दुर्गावती जी का स्मरण किया था उनके गुणों के लिए। ऐसा ही दूसरा एक सच्चरित्र पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर, उनकी ये 320 जन्म जयंती चल रही है। एक उत्कृष्ट राज्यकर्ता जिसकी शील संपन्नता का आदर्श सबके सामने हो, ऐसे एक महिला अत्यंत विपरीत परिस्थिति में राज्य चलाती है,
रणनीति के कौशल का परिचय देती है, अपने राज्यों को संभालती ही है, परंतु अखिल भारतीय दृष्टि होने के कारण सारे देश में धर्म संस्कृति का उत्थान हो, इस दृष्टि से जगह जगह मंदिर बनवाती है, घाट बनवाती है, धर्मशालाओं का पुनर्जीवन करती है, और इस प्रकार संस्कृति संरक्षण में, धर्म संरक्षण में स्वयं निस्पृह रह के अपने लिए कुछ न करते हुए और एक आदर्श उपस्थित करती है राज्यकर्ता का भी और भारतीय नारी के कर्तृत्व का एक फिर प्रतीक, ऐसा उनके जीवन के निमित्त हमारे सामने खड़ा होता है, उनका हम स्मरण करते हैं। ऐसे ही स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती का 200वां जन्म जयंती का वर्ष चल रहा है। हम जानते हैं कि लंबी गुलामी के बाद भारत का जो पुनरुत्थान शुरू हुआ, उस पुनरुत्थान के पीछे जो शक्तियां थी उनमें से एक स्वामी दयानंद सरस्वती है। लोगों में सही धर्म क्या है उसका सत्य प्रकाश उनके बुद्धि में जाए, अपने मूल को समझकर काल सुसंगत धर्म का आचरण वो करे और अपने लिए स्वतंत्रता प्राप्त कर ले, इसलिए जनों की जागृति का एक महाप्रयास उन्होंने किया। उसकी प्रेरणा में से आगे चल के भारत के जीवन के सभी क्षेत्रों में कई प्रकार के आंदोलन भी हुए। ऐसा एक पुण्य चरित्र, उनके भी स्मरण का आज वर्ष है। स्वतंत्र देश होना है, देश वैभव संपन्न होना है, तो प्रजा में चारित्र चाहिए। अभी अध्यक्ष महोदय जी ने जिस दैवी गुण संपत्ति का उल्लेख किया, अभयम सत्व संशुद्धि, वही है व्यक्तिगत और सामाजिक चारित्र, राष्ट्रीय चारित्र, जिनके बलबूते देश बड़ा होता है। पाबना में, आज के बांग्लादेश में, उस समय के पूर्व बंगाल में जन्मे श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर, होम्योपैथी के डॉक्टर थे, आध्यात्मिक साधक थे, उनके माता से ही उनको दीक्षा मिली थी, तो उनके व्यक्तित्व से आकर्षित होकर लोग उनको आकर मिलते थे, अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयां बताते थे, उनके हाल पर उनसे चर्चा होती थी। इसी का आगे एक सत्संग आंदोलन बन गया और 1925 में उस आंदोलन का भी विधिवत पंजीयन हुआ। उस आंदोलन का मुख्यालय आजकल देवघर में है। उनकी भी शताब्दी इस वर्ष 2025 में चली गई और हम जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जन्म के 150 वर्ष हो गए। विदेशी वर्चस्व के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, वनवासी समाज में, आदिवासी समाज में बहुत जागृति जिन्होंने की, केवल भाषण देकर नहीं अपने जीवन को यज्ञ में अर्पण कर दिया और ऐसा उपदेश दिया और ऐसा आचरण हमारे सामने रखा कि हमारे जनजातीय बंधुओं के अस्मिता को, अस्तित्व को स्वतंत्र भारत में सशक्त होकर अपने योगदान करने को एक पुष्ट वैचारिक और व्यावहारिक आधार उसके कारण प्राप्त हुआ। उनका भी 150वां जन्म जयंती का वर्ष चल रहा है। स्मरण करने का कारण ऐसा है कि ये लोग हमारे सामने मूर्तिमंत उदाहरण है, जैसा हमको होना चाहिए। व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र इन्होंने जो किया उसका हमको लाभ हो रहा है, ये बात अलग है, परंतु वो लोग कैसे थे, अलग अलग समय में, अलग अलग कार्य क्षेत्रों में
उन्होंने काम किया, परंतु सबकी समान बातें कुछ थी। इन सब लोगों ने प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से देश हित में, समाज हित में, संस्कृति और धर्म के हित में ही काम किया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। निष्पृहता उनका गुण था।